लखनऊ से है, जहां ई रिक्शा के जाम से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस ने नियम बनाया है। लखनऊ में ई रिक्शा दौड़ाना अब आसान नहीं होगा। सड़क पर रिक्शा चलाने से पहले लखनऊ पुलिस की ओर से जारी फॉर्म को भरना होगा। वहीं ई रिक्शा चलाने के लिए 16 जोन बांटे गए हैं। बता दें, ई रिक्शा का रूट निर्धारण अब लखनऊ पुलिस करेगी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50,000 ई रिक्शा लखनऊ में चलते हैं। ACP लेवल का अफसर अपने जोन में ई रिक्शा का संचालन देखेंगे। बता दें, जिस जोन में ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी उसी जोन में ई रिक्शा चलाना होगा। वहीं चालक की आइडेंटिटी के लिए ई रिक्शा पर QR कोड लगाया जाएगा। थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस 3 थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना। उससे बाहर अगर जाएंगे, पकड़े गए सवारी ढूंढते हुए दूसरे क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाए, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पर चिपका लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोगों का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 DCP के अंडर में है, तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए। और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे DCP सेंट्रल है, उसके अंडर में 3 है, तो 3 उसके 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर लिया, ऊपर का जोन का DCP जोन का कलर, नीचे ACP जोन का कलर। तो अगर कोई किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर DCP का वो ACP अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे उस तरह से, उसका अलग प्लानिंग करके उनको लंबा रूट का फिर हम रूट दे देंगे। फिर जब जोन में बट गए सब, ACP के एरिया में मान लीजिए कि 50,000 है और 16 जोन है, एवरेज लगभग 3,000 मिलता है। तो दूसरा जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी भी संख्या अनलिमिटेड और अनरेगुलेटेड है, उनको भी जो है रेगुलेट करने के लिए वेंडिंग जोन बनाना और लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्ताव जो है नगर निगम को भेजा गया। तीसरा जो है रोडवेज की बसें हैं जो शहर के बीच से होके जाती है, तो इनको भी रूट बदलने आदि का प्रस्ताव जो है वो भी भेजा गया शासन में। और 1 तारीख से हमने इनको भी दे देंगे, RTO के यहाँ फॉर्म भेज देंगे 1,000। लगभग हर महीने 1,000 रजिस्ट्रेशन होता है, 1,000 फॉर्म हर महीने उनको दे दिया करेंगे। तो जो नया रजिस्ट्रेशन होगा वो जब रजिस्ट्रेशन होगा RC ही तब निर्गत कर देंगे। जब उस समय इतने सारे फॉर्म वैसे भी भरता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक फॉर्म और भर देगा, वही फॉर्म भर के RTO के यहाँ जमा हो जाएगा। तो हमारे को फायदा ये कि पुराने का हम 1 महीने में टारगेट कर लेंगे, और नया तो कंटिन्यूस बिना फॉर्म भर करके उसको जारी ही नहीं हो पाएगा। अगर चोरी का रिक्शा होगा तो मालिक का नाम कुछ भी लिख के देगा, या RC ही नहीं जमा कर पाएगा फिर वो। जब वो RC नहीं दे पाएगा तो पकड़ में आ जाएगा, कल को स्टिकर्स नहीं जारी होंगे तो सड़क से हटेगा। इससे कुछ कुछ बेनिफिट जो हम लोग समझ में आ रहा है वो यही सब है कि क्योंकि ये पुलिस से रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाएंगे, कराने जाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। वो है नहीं लीगल, मतलब वो इसी धारा में यूज किया गया जो 115 है ना। मैं मतलब वो पेपर देखा नहीं है, मतलब उनका ऑर्डर नहीं देखा है। उन्होंने प्रस्ताव तो हमने भी भेजा है, लेकिन वो ऑर्डर का रोक लगाने का पावर इस 115 में नहीं है। इसमें हमको केवल जो है किसी एरिया में संचालन पे रोक लगा सकते हैं कि इस एरिया में ये रिक्शा नहीं चलेगा या ये गाड़ी नहीं चलेगी। वो एरिया और उस तरह का गाड़ियों को कंट्रोल करने का तो पावर है, उनका रजिस्ट्रेशन रोकने का पावर उसमें है नहीं। नहीं, इसमें हमने वही बस अड्डों का तो हमने पूरा प्रस्ताव ही बना के दे रखा है। बिल्कुल, उसमें हाँ उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव दे रखा है, और उसकी कॉपी ले लीजिएगा ना, हमने चारों बस अड्डों को ले दे रखा है। हमने इसमें अपने यहाँ का नियंत्रण बढ़ाने का भी दे रखा है। आज के डेट में हमारे यहाँ जो सिपाही है ट्रैफिक के हार्डली 600-700 है। लखनऊ जितना फैल चुका है, जितना बढ़ चुका है, और अगले 10 साल में जितना फैलेगा उसके हिसाब से यहाँ 2,500 से 3,000 होना चाहिए। हम लोगों ने उतना ही का नियंत्रण फ्यूचर के 100 नए नए पॉइंट चिन्हित किए कि जहाँ हम चाहते हैं ट्रैफिक ड्यूटी रहे, और करंट में भी हम चाहते हैं कि ज्यादा रहे, तो उस हिसाब से हमने भेज रखा है। वो भी गवर्नमेंट मतलब स्टेट DG हेडक्वार्टर में विचार हो रहा है, तो थोड़ा नियंत्रण बढ़े, संख्या बढ़े, तो उनका भी हम करा लेंगे 11 रोड पे। और अब जब हम इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा देंगे तो वो ऑर्डर अपने आप एक तरह से इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने जब एरिया ही बांट दिया कि अभी इसमें बटना, और इसको हम लोग स्टिकर के थ्रू पकड़ेंगे, तो स्टिकर के थ्रू भी हो सकता है वो लाइसेंस इसमें भी बहुत दिखेंगे कि देखिए अब ग्रीन स्टिकर जो है वो देहात का है और शहर में चल रहा है। तो जितना हो सकेगा पुलिस पकड़ेगी, सीज करेगी, एक्शन लेगी। अब ये समस्या है कि हमारे पास MV एक्ट में जो है मेनली हमारे पास जो है कि चलान का सिस्टम है कि 500 रुपए का चलान करिए, 1,000 रुपया करिए, उसका ऑनलाइन पेमेंट होता है और वो सीजर नहीं कर पाते हम लोग उसको, उसका ऑनलाइन पेमेंट लोग नहीं करते हैं, कोर्ट चला जाता है, वहां पेंडिंग रहता है, फिर 3-4 साल बाद पता चला कि कहीं किसी कारण से रिवोक हो गया। तो ये जो है ना ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इस पे भी हम लोगों ने सजेशंस भेज रखा है कि भाई उसमें हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो बार, मॉल, रेस्टोरेंट, इनको पालन करना है। 1, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं देना है। अगर उसके कारण अराजकता हुई तो उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नंबर वन तो ये है, नंबर टू साउंड का जो है बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है कि 10 से 6 जो है नहीं बजना चाहिए, साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रात में जो है साउंड का जो कंप्लायंस होना है वो करेंगे। अगर हमारे पास लोग मान लीजिए कि आप तो न्यू ईयर मना रहे हैं तो ये साउंड बजा रहे हैं, पड़ोसी अगर हमें 10 बजे के बाद फोन कर दिया हम आके बंद कराएंगे उसको। साउंड में है कि आप अपने कंफर्ट लेवल अपने जो कैंपस है उसके अंदर बजाएं, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। तो दूसरा गाइडेंस हम लोगों का जो है वो साउंड से संबंधित था। कल फिर हम लोगों ने बैठक लेकर के तीसरी चीजें जो बताई है वो ट्रैफिक से संबंधित, पार्किंग से संबंधित, जो भी आयोजन हो रहा है अपना उनकी जिम्मेदारी है कि पार्किंग व्यवस्था भी ठीक रखेंगे। जैसे पलासियो मॉल, लुलू मॉल, इन सब के बाहर अगर पार्किंग बाहर सड़कों पे ही लोग कर रहे हैं, होता क्या है पब्लिक की टेंडेंसी है कि अंदर जो है वो पार्किंग चार्जेस 50 रुपए बचाने के चक्कर में बाहर खड़े करते हैं। तो इस बार हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगर आप 50 रुपए बचाने के चक्कर में गए तो आपको 1100 देने पड़े। तो ये हम लोग का रहेगा कि जहां पर भी बाहर सड़क पे पार्किंग मिली हमें बेतरतीब और अंदर पार्किंग खाली है तो हम टो करके ले जाएंगे उसको और 1100 का भुगतान देना पड़ेगा। तो लोगों से आग्रह है कि अंदर की पार्किंग अगर खाली है मॉल के अंदर और जहां भी जिस बिल्डिंग में जा रहे तो काइंडली उसको यूज करिए, अनावश्यक सड़क पे क्यों जमा करना। तो आप सड़क पे बेतरतीब पार्किंग ना हो और वॉलंटियर्स लगाएं, उनके जो भी आयोजक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप वॉलंटियर्स लगाएं। तो ये पार्किंग से संबंधित है। प्लस चौथा जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ अभियान 5 दिन का चल रहा है, कंटिन्यूस चलेगा, अलग अलग टाइम पे देर रात में जांच करेंगे। इसके लिए हम लोग बैरिकेडिंग के लिए मैंने कहा अभी तो हमने नंबर इसमें जो डाला 100 स्थान रखा है, पर हमने कहा कि और इम्पोर्टेंट जगह जो है जहां पर रात में हुड़दंग हो सकता है या स्पीड जो स्टंटबाजी हो सकती है उन पे बैरिकेडिंग रहे, प्लस इम्पोर्टेंट आयोजन जहां काफी भीड़ होती है उसके आसपास भी बैरिकेडिंग रहे ताकि आने जाने के टाइम पर हम चेकिंग करें। तो हमारा जो मूल इसका मंत्र बोले तो सड़कों पर हर चीज पुलिस कंट्रोल करेगी, अंदर जो कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, ना हमें मोरल पुलिसिंग करनी है कि अंदर आप क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन सड़क पर अगर किसी ने हुड़दंग किया, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब की, स्टंटबाजी की, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनका नया साल जो है वो हालात में गुजरेगा। टाइमिंग क्या रहेगी सर पार्टी की लास्ट टाइम? टाइमिंग का देखिए अलग अलग नियम है, आपका बार का जो है वो बार का नियम से आप बंधे हैं कि आप जो है लीकर कब तक सर्व करेंगे, तो बार के नियमों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। साउंड का कितने बजे तक बजाएंगे तो उसका 10 बजे तक का नियम होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्लोज कैंपस में आप लोग रात भर बैठ करके गप्पे मारते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो रोड पे वो पेडेस्ट्रियल जोन है, रोड पे कोई इश्यू नहीं है, वो अपना कंटिन्यूस रात भर चले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक है उसको हम रोड से भगा नहीं सकते, बोल नहीं सकते ना। 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये कैसे ब्रेथ एनालाइजिंग भी होगी? हाँ ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले में तो 100 करीब उसमें हाँ है हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर का डाटा मैं देता हूँ आपको ना। सर कई मॉल ऐसे हैं जहाँ पर लोग पार्टी करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है? भैया वो 1100 रुपया दे और क्या है, अगर पार्किंग मॉल है जिन मॉलों के पास तो उन मॉल वाले को बोला करें वो करवाएं, जब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो मेरे थ्रू हम तो जोन आवंटन करेंगे।